एमकेएन ट्यूबर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपर 30 के बारे में। तो सुपर 30 का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम कोई ट्रेलर रिव्यू नहीं करने वाले हैं, ना तो मैं कोई मूवी क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं एक आम व्यूअर के तरह इसको देखने का प्रयास करूंगा। इसको जानने का हम प्रयास करेंगे कि सुपर 30 का ट्रेलर जो है, मूवी जो है, उस मूवी में और ये जो किताब है मेरे हाथ में, इस किताब में क्या रिलेशन है। हाथ में है सुपर 30 का बुक, तो इस बुक में और मूवी में क्या रिलेशन है, क्या ये बुक के ऊपर ही मूवी बना है, आज हम इन सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मूवी के ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्टली हम आनंद कुमार को एज ए टीचर दिखाया जा रहा है, जबकि बुक में आनंद कुमार कैसे एक टीचर बने, उनका स्टूडेंट लाइफ कैसा रहा, उन्होंने सुपर 30 क्या है, ये सब बातें डिटेल में बताया गया है बुक में। तो मूवी में लेकिन ट्रेलर से हमें ये पता चल रहा है कि डायरेक्टली हमें यहाँ पे जो है कोचिंग सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में कैसे अमीर बच्चे, वीआईपी बच्चे को ही एडमिशन मिलता है और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए प्रिपरेशन का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है, इस बात पर ही फोकस किया गया है। और इसी बात को फोकस करते हुए आनंद कुमार जी कैसे इस बात को मतलब रियलाइज करते हैं और फिर वो कैसे सुपर 30 की शुरुआत करते हैं, इसका एक झलक हमें ट्रेलर को देखने को मिलता है। तो इस बुक ये बुक में बहुत पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसमें आनंद कुमार की पूरी कहानी बताई गई है, बैक स्टोरी बताई गई है, तो हम इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवी में फ्लैशबैक या किसी माध्यम से हमें आनंद कुमार जी की कहानी भी बताई जाएगी, क्योंकि ये मूवी का पूरा फोकस सेंट्रल कैरेक्टर वही है, आनंद कुमार जी ही हैं और उन्होंने कैसे सुपर 30 का सेटअप किया उसी बात के को लेकर ही ये मूवी बना हुआ है। तो ये देखने ये हम आगे शायद दूसरे ट्रेलर में भी हमें देखने को मिलेगा कि आनंद कुमार की बैक स्टोरी हमें इसमें कितना बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मूवी रिलीज होने में अभी भी एक महीने का टाइम है। इस बुक में पूरा डिटेल में बताया गया है कि आनंद कुमार का उनका स्ट्रगल बताया गया है, वो कैसे पापड़ बेचते थे, उन्हें फॉरेन से ऑफर मिला था फिर लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो नहीं जा सके पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और तब उनके मन में आया कि एक जो गरीब परिवार का बच्चा होता है उसको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, वो प्रिपरेशन के लिए जो कोचिंग सेंटर है वो सब अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने सुपर 30 का जो है शुरुआत किया। ये जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस किताब में दिया हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि मूवी में भी इस बात को हमें पूरी तरह से ये देखने को मिलेगा, चाहे फ्लैशबैक का पोर्शन हो या किसी भी तरह से हमें दिखाया जाए, आनंद कुमार की बैक स्टोरी भी हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि जो ट्रेलर का कौन सा पोर्शन आपको पसंद आया और उसमें क्या खास बात आपको लगा है, और चैनल के साथ अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।